देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अरे चाची, आपने ऑर्डर कर दिया ना, अप्रिया डेफिनेटली मीका को यहाँ बुलाएगी। थैंक यू सो मच चाची। आपको पता है, आप विश्वास नहीं करोगी, मैंने सोच लिया था कि अगर मेरी बहन कल संगीत पे नहीं आएगी ना, तो मैं रिचुअल्स पूरे ही नहीं करूंगा। मैं संगीत बीच में छोड़ के चले जाऊंगा। After all, I love my sister. और तुम भी उतने ही प्यार से उसे बुलाओगी। मैं आती हूँ। I'll see you guys. तुम रुको, मुझे एक काम याद आ गया। अच्छा, कौन सा काम? तुम्हारा सबसे बड़ा काम तो हम देख रहे हैं। तुम्हें क्या लग रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम हमारे साथ गेम खेल रहे हो? देखो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मीका को यहाँ बुलाने का डिसीजन चाची का है। और पल्लवी के थ्रू ऑर्डर करवाने का काम तुम्हारा। देखो, मैं सिर्फ अपनी बहन से मिलना चाहता था, और इसके लिए मैंने तुम्हें रिक्वेस्ट भी की थी, पर मैंने देखा कैसे तुम दोनों ने मेरी फीलिंग्स और मेरी रिक्वेस्ट को सड़क पे फेंक दिया। तो ठीक है, अगर तुम्हें मेरी रिक्वेस्ट नहीं सुननी तो मैंने सोचा ऑर्डर ही करवा दूं। अगर तुम्हें इसे गेम समझना है तो गेम ही समझो। पहली चाल मैंने चली, दूसरी चाल तुम चल लो। पर एक बात याद रखना, अगर मेरी बहन कल नहीं आई ना, तो मैं वही करूंगा जो मैंने कहा। मैं फंक्शन बीच में छोड़ते चले जाऊंगा। तुम्हें जरा भी डर नहीं लग रहा है? डर? आप लोगों ने मुझे इतना डरा दिया कि मेरा सारा डर निकल गया। अब मैं भी प्राची की तरह डर बन गया। एक्चुअली मिली का ब्रेकअप हो गया, इसलिए मैं अंदर से इतना क्या हुआ? अब ठीक हो तुम? क्या हुआ मुझे? क्या हुआ है? ठीक ही हूँ मैं। कुछ तो हुआ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। यार, बताया तो था मैंने तुम्हें। हाँ, तुमने मुझे बताया था कि मिली का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन क्या लेकिन? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बात कुछ और है, तुम्हें कोई और बात है जो परेशान कर रही है। कहाँ को गए तुम? नहीं, कहीं नहीं, यही हूँ। इसलिए कह रही हूँ कि कोई और भी बात है जो तुम्हें परेशान करी, तुम डिस्टर्ब हो। और हो ना हो, मिली का ब्रेकअप हुआ है इसलिए तुम उदास हो ना। वो उदास है, उसको उदास देखकर तुम भी उदास हो गए। अरे एक काम करो, उसे मिल लो यार। तुम कल के फंक्शन के लिए इनवाइट कर लो उसे। वो यहाँ आएगी, उसका भी मन खुश हो जाएगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तो उसे कॉल करो, इनवाइट करो। इट विल बी ग्रेट फॉर एवरीवन। इनवाइट हो। तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम सिर्फ सर हिला रहे हो? नहीं नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, उसे इनवाइट करना चाहिए। तो कॉल करो उसे। क्या अभी? नहीं नहीं, एक काम करना, कल जब पार्टी ओवर हो जाएगी ना, तब इनवाइट करना। व्हाट? अरे आज इनवाइट करोगे ना, कल फंक्शन है तो आज कॉल करोगे। कॉलर तो मैं उसे कर लूंगा ना। तो अभी कॉल करो यार। तुम तो बच्चों की तरह जिद कर रही हो। मैं ऐसी हूँ। कॉल। थैंक यू तो बोल देते, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में बोल देना, आराम से बोल देना। अभी तुम कॉल कर, बात कर। हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ मिली, वो सॉरी या आधी रात हो गई, तुम्हें भूख लग गई। मुझे एक बात बताओ, ये आधी रात को भूख लगने का क्या सीन है? बिल्कुल अपने पापा पे गई हो, उन्हें भी ऐसे आधी रात को कभी भी भूख लगती है। किन्हें भूख लगती है आधी रात को? मुझे, तभी तो यहाँ आई हूँ। तुम पहले यहाँ पे आ गई, लेकिन एक्चुअली भूख पहले मुझे लगी थी, थोड़ा देर हो गई आने में। अच्छा तो बताओ क्या खाओगे? तुम क्या खाओगे? एक्चुअली जो डिनर के लिए बनाया था ना, सब खत्म हो गया है। दाल चावल खा लेंगे, लाइट भी होगा। नहीं, अगर कुकर की सीटी सुन के सब उठ के आ गए तो? हाँ, सब आ गए तो फिर शेयर भी करने पड़ेंगे दाल चावल, मम्मी तो बहुत खाती है। तो क्या खाएं? आधी रात को तुम और मैं।
क्या करते हैं? सैंडविच खाते हैं। क्या हुआ, डर क्यों गई? कुछ क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तुम एकदम से ऐसे हंसी ना तो कुछ नहीं, मुझे कुछ याद आ गया। क्या याद आ गया? कुछ नहीं, याद आया कि हमारी ब्रेड खत्म हो गई है। सैंडविच ऐसे खाएंगे आप? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो क्या करें अब? सैंडविच के लिए ब्रेड तो बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स। एक सेकंड, लेट मी। तुम ब्रेड बना रही हो? अरे क्या मिला? शाहना लेके आई थी, ये चलेगा, ये खाते। ठीक है, तुम कह रही हो तो खा लेते हैं। बैठो, इसे खा के मोटी हो जाओगे तुम। अरे मोटी तो तुम वैसे ही होने वाली हो ना। हाउ मीन। अच्छा मुझे एक बात बताओ। पूछो। जब तुम वो फ्रिज के पास थे तो तुमने कहा कि तुम्हें कुछ याद आ गया। क्या याद आया था? मुझे कुछ ऐसा याद आया था जिसको देख के मुझे अच्छा लग रहा था। क्या? मैं तुम्हें देख रहा था और तुम ना बिल्कुल स्ट्रेस नहीं थे। यूजुअली जब तुम्हें भूख लगती हो तुम्हें गुस्सा आ जाता है ना, चिड़चिड़ी हो जाती हो तुम, तो इसीलिए। उस हिसाब से तो तुम्हें ज्यादा चिड़चिड़ करनी चाहिए क्योंकि तुम्हें तो बहुत भूख भी लगती है, लेकिन तुम तो खुश लग रहे हो। मैं खुश लग रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा था ना, मुझे अच्छा लग रहा था तुम्हें देख के। बताए मैंने क्या सोचा? क्या? स्ट्रेस लेके ना कोई फायदा नहीं है क्योंकि आखिर में सब अच्छा ही हो जाता है, यू नो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे होगा सब कुछ ठीक? तुम्हें नहीं पता, तुम मुझे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझ के मुझसे बात कर रही हो। क्या है? क्या मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ? नहीं मतलब, ओ नहीं मतलब, पर क्या नहीं हूँ इंटेलिजेंट मैं? हो लेकिन। लेकिन क्या, साफ साफ बोलो ना। तुम ना पहले शांत हो जाओ, ऐसे लग रहा है मुझे खा जाओगे। तुम्हारी भूख लगता है बहुत बढ़ रही है। भूख नहीं बढ़ रही है, मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। बताओ मुझे क्या क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं तुम बहुत हाइपर हो रहे हो, मैं नहीं बता। मैं कहाँ हाइपर हो रहा हूँ, बताओ ना, बोलो। नहीं नहीं, मत जाओ ना। नहीं मैं जाती हूँ क्योंकि तुम्हारी आंखों से मुझे डर लग रहा है। सॉरी, अब तुम्हें डर नहीं लगेगा। क्यों? तुम्हें मेरी आंखों में अब कुछ और दिखाई देगा। क्या? देखो प्राची, कल जो भी होगा, कल मैं जो पाऊंगा जो खोऊंगा मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि इस वक्त इस मोमेंट पे मुझे तुम्हें बताना है कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं, हिस्सा नहीं, तुम मेरी जिंदगी का एक ऐसा किस्सा हो इसके बिना मैं बिल्कुल अधूरा हूँ, अधूरा हूँ। मेरी जिंदगी अधूरी है, अधूरी है, तुम पूरा करती हो मुझे, क्यों मुझे। एक दूजे के लिए बने हम रूहानी है प्यार, हाँ एक दूजे के लिए बने हम रूहानी है प्यार। दिल के करीब हो तुम, मेरा नसीब हो तुम, दिल के करीब हो तुम, हाँ मेरा नसीब हो तुम। हमारी कहानी अधूरी नहीं होगी, मैं इसे अधूरी होने नहीं दूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, कभी 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 तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। Are you mad? यहां मैड होने वाली कोई बात ही नहीं है मुझी, प्लीज हमें वो करना ही होगा जो मॉम ने कहा है। ऐसी भी कोई मजबूरी नहीं है। मजबूरी है, अगर हमने मीका को नहीं बुलाया अब मॉम पूछेंगी तो हम क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे कि हमने मीका को क्यों नहीं बुलाया? हम कोई बहाना मार लेंगे लेकिन इतना बड़ा रिस्क हम नहीं ले सकते। ओ प्लीज बूजी, रिस्क में तो हम है ही, बीच समुंदर हमारे बोट में एक बड़ा सा होल हो गया है। इससे पहले कि बोट डूब जाए हमें तैरने की तैयारी करनी होगी। अगर हमने हाथ पांव नहीं चलाए ना तो हम पक्का डूब जाएंगे, फॉर श्योर। और बकरी को अगर यहाँ खुला छोड़ दिया तो शेर उसे खा जाएगा। तुम्हें क्या लग रहा है मीका को हम यहाँ पर बुलाएंगे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? वेका प्रिया,
सिद हमारी बात अब तक इसलिए मान रहा है क्योंकि उसके दिल में मिहिका का डर बैठा हुआ है। हमने मिहिका को यहाँ बुला लिया तो किस बात का डर रहेगा? क्यों मानेगा वो हमारी बात और क्यों करेगा वो प्राची से शादी? हम मिहिका को नहीं अपनी प्रॉब्लम को इन्वाइट कर रहे हैं। आपको एक सिंपल सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? हमें मिहिका को बुलाना ही होगा। वो प्राची मेरे सर पर खड़ी है और सिर सीना तान के सामने खड़ा है। अगर रणबीर को मुझ पर भरोसा भी होता ना तो भी मैं कोई गेम सोच सकती थी। स्ट्रेस लेके ना कोई फायदा नहीं है, आखिर में सब अच्छा ही हो जाता है, यू नो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ तो है जो मेरे और प्राची के बीच में बदल रहा है, अब वो क्या है वो नहीं पता, लेकिन जो भी है अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। There's something. जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। संभल के चलना। तुमने कुछ सुना? नहीं। मैंने कुछ जरूर सुना है। एक तो इनका गेम समझ में नहीं आता, कभी खत्म ही नहीं होता। कभी वो गिरेगी तो ये संभालेगा, ये गिरेगा तो वो संभालेगी। बस भी करो बूजी, चलो चलो अंदर। इट्स द सेम थिंग। क्या देख रहे हो आप? क्या देख रहे हो? तुम्हारा बर्ताव देखा जो बहुत बदला बदला लग रहा है। क्या? तुम्हारा मेरे से बात करने का तरीका जो है वो बहुत बदला बदला सा लग रहा है मुझे। मतलब तुम क्या चाहते हो, मैं तुमसे रूडली बात करूं? क्योंकि मैं कर सकती हूं। नहीं, मैं नहीं चाहता तुम मुझसे रूड बात करो। इनफैक्ट तुम मुझसे बहुत उखड़ी उखड़ी बातें कर चुकी हो ऑलरेडी। मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझसे ना ऐसे प्यार से बात करो। मेरी जो बंजर जमीन है ना इस पे ऐसे प्यार की बरसात बरसात हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मुझसे ऐसे अच्छे से बात करोगी। क्या हुआ? तुम मैंने मजाक नहीं किया, मैं सीरियस हूँ। मैं भी सीरियस हूँ, मैंने भी मजाक नहीं किया। तो तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं नहीं, तुम हंसती रहो, तुम मेरा मजाक भी उड़ाओ। तुम ऐसे खीखी करके हंसती हो, मुझे बड़ा मजा आता है। मैं ऐसे खीखी करके हंसती हूँ? नहीं, तुम बिल्कुल खीखी नहीं करती। तुम एक्चुअली तुम चिक 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 करके हंसती हो। चिक 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 चिक। पहले ना डिसाइड कर लो फिर बात करेंगे। तुम ना मुस्कुराओ, तुम मुस्कुराते हो बहुत अच्छी लगती हो। नहीं आता क्या? मैं सिखाता हूँ, देखो ऐसे। कितनी अच्छी लग रही हो, देखो। गुड, यू स्माइलिंग। और हंसते हंसते ना ऐसे मेरा मजाक भी उड़ाओ। तुम जो करना करो, बस खुश रहो। चलो कल मिलते हैं, ओके? अपने पैर का ख्याल रखना। तुमने कुछ कहा क्या? नहीं, तुमने कुछ सुना? मुझे लगा तुमने ऐसा कहा कि मुझे लड़का बहुत अच्छा लगता है। बाय चिक चिकी।
अब आप नहीं सुनोगी मेरी बात? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। और क्या सुनो तुम्हारी बात? इसमें सुनने वाली बात क्या है? क्या हम दोनों को नहीं पता कि वहाँ रणबीर और प्राची के बीच में क्या चल रहा होगा? वही तो चलने नहीं देना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा वो प्राची मेरे रणबीर के साथ कर क्या रही है? क्यों है वो मेरे रणबीर के साथ? उसकी तो सगाई हो गई थी ना सिर के साथ, इनफैक्ट शादी होने वाली है, तो वो ऐसी गिरी हुई हरकतें क्यों कर रही है? वो तो ऐसी नहीं है, वो तो बड़ी सती सावित्री टाइप है। तो अपने सती सावित्री कैरेक्टर में रहे ना, ऐसी कैरेक्टरलेस हरकतें क्यों कर रही है? हाँ, अगर मैं ये सब करूँ इट स्टिल मेक सेंस। मैं किसी के साथ भी एंगेजमेंट कर सकती हूँ, मैं किसी के साथ भी शादी कर सकती हूँ, किसी को भी छोड़ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। आई कैन डू वट एवर द हेल आई वांट, आई कैन मेक अप विद समवन, आई कैन ब्रेक अप विद समवन, आई कैन लव समवन, आई कैन मैरी समवन कंप्लीटली डिफरेंट। इट्स ऑल अप टू मी, क्योंकि मैं कैरेक्टरलेस हूँ। मैं सती सावित्री टाइप हूँ ही नहीं। ऑफ कोर्स, हैव यू सीन मी? मैं बिल्कुल भी सती सावित्री टाइप तो नहीं हूँ। मैं जैसी हूँ मैं वैसे काम करूंगी ना, लेकिन वो प्राची वो तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, तो वो ऐसे काम क्यों कर रही है? फॉर हेवन सेक, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मतलब क्या कर सकते हैं, और क्या पता वो भी टाइम के साथ बदल गई हो। नो बूजी, नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि वो सिर्फ प्राची नहीं है, वो हमारी मॉम प्रज्ञा की जेरोक्स कॉपी है। वो प्राची तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। जब भी मैं उस प्राची को देखती हूँ, उसकी अच्छाइयाँ देखती हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे मॉम फेस बदल के सामने आकर खड़ी हो गई हो। नो नो नो, कुछ तो गड़बड़ है। We are definitely missing out on something. अब क्या आ गया आपके दिमाग में? वही जो आंखों के सामने नहीं आया है। Are you sure कि प्राची और सिद की सगाई हो गई है? हाँ बूजी, हुई तो थी ना सबके सामने। मुझे नहीं पता कि तुम लोगों ने क्या देखा, लेकिन मैंने देखा कि वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाने जा रहे थे और वहां पर लाइट चली गई, और लाइट आते ही उन दोनों की रिंग फिंगर्स में रिंग्स ऑलरेडी थी। उन दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई कब? मुझे क्या बोल रही हैं आप? आपका मतलब उन दोनों ने? मेरा मतलब कुछ भी नहीं है, और हमें मतलब निकालना भी नहीं है, बस हमें प्रूफ करना है रिया। क्योंकि अगर जैसा मैं सोच रही हूँ ना, वो अगर सच निकला तो हम चारों तरफ से फंस चुके हैं, और हमें पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि हम अपने ही गेम और अपनी ही चाल को देखकर इतना खुश हो रहे हैं कि हमें सामने वाले की चाल नजर ही नहीं आ रही है। प्राची हमारे साथ गेम खेल रही है और हमें पता भी नहीं चला। हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकाल ली है उसने। अब डरा क्यों रही हैं आप? अगर तुम्हें डर लग रहा है ना, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि डर लगना जरूरी है। इसका मतलब कि तुम्हें हार मंजूर नहीं है। बस ये डर प्राची को मत दिखाना, वरना हम सच में हार जाएंगे। बस हमें ये पता लगाना होगा कि प्राची के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। कब पता लगाएंगे? कल संगीत है, उसके बाद। संगीत? हो सकता है कि संगीत पूरा हो भी ना। पूछिए ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? फिर संगीत नहीं होगी ना, तो फिर शादी भी नहीं होगी। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, लेकिन मैं कुछ फील कर रही हूँ, कुछ देख रही हूँ जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती रिया। बस वी विल हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस टुमारो। कल हमें कोई चाल नहीं चलनी है, बस प्राची के हर चाल का जवाब देना होगा हमें। सर सिर्फ 2 घंटा दीजिए, 2 घंटे में सारा काम खत्म करता हूँ सर। 2 घंटे क्यों? अब तक तो सारा काम हो जाना चाहिए था। मैडम वो लेबर की थोड़ी शॉर्टेज है, प्लीज। ना, बहाने मत सुनाइए आप मुझे, प्लीज काम खत्म चाहिए, मुझे जल्दी करवाइए ना सब कुछ। जी मैडम अभी करवाता हूँ। हाँ अभी करवाता हूँ, चलिए। अरे तुम चलो उधर, वो वाला काम देखना, जल्दी आओ। मैम कुछ नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, सब कुछ मुझे करना पड़ता है। काम के वक्त सब गायब हो जाते हैं। आप बताइए ना क्या काम करना है, मैं करती हूँ, मैंने मना थोड़ी किया है, ये भी मुझे समझाना पड़ेगा तुम्हें। नजर उठाओ और देखो सारा काम अपने आप नजर आ जाएगा। I don't believe this, अब तक कुछ काम नहीं हुआ है। क्या उठा लो फोन, आज तो सब कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस आ रहे होंगे ना तुम्हें। नहीं चाची इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑफिस से ही है। ऑफिस का काम इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, जस्ट आंसर द कॉल। जी हेलो, मैं रणबीर। कम आज घर में क्या है? घर में संगीत। कितने लोग हैं घर में? बहुत सारे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 लोग। गिनने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं तुम्हें, ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ रणबीर कि आज घर में फंक्शन है और कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, सारा काम मुझ पर थोपा हुआ है, सब कुछ मैं करूंगी, बस। आई कैन नॉट डू ऑल दिस अलोन।
मुझे बताओ ना क्या क्या काम करने, मैं करता हूँ। मैंने भी यही कहा कि आप मुझे बताइए क्या करना, मैं करती हूँ। तुम दोनों केटरिंग संभालो, एक भी आदमी मेरे पास कोई सवाल लेके आया ना तो बोथ ऑफ यू हैव हैड इट। ओके। ये डेकोरेटर्स को तो मैं देखती हूँ। ये क्या हो गया मम्मी को, इतना स्ट्रेस क्यों है? चिल करना चाहिए, तुमने कुछ किया होगा पक्का। मैं कभी कुछ करती हूँ? तुम ही तो सब कुछ करती हो। चाची गई क्या? चाची का तो पता नहीं, पर हाँ एक तूफान आया था वो जरूर चला गया। हाँ यार वो सारी प्रिपरेशन वो खुद करी है ना, शायद इसलिए इरिटेट हो रही है। अगर प्राची को पता लग गया ना कि कुछ काम नहीं हो रहा था वो भी परेशान हो जाएगी। आई थिंक मुझे ही काम करना चाहिए, आफ्टरऑल मेरा ही संगीत है। प्राची परेशान हो जाएगी तो तुझे इसलिए काम करना चाहिए। क्यों, मैं हूं ना, मैं सारे काम कर लूंगा, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे यार तू यार बार मत बोल मुझे, और देखो काम है तो यहाँ खड़ा रहे, नहीं है तो यहाँ से जा, मुझे बहुत काम है। चलो शाना केटरिंग संभालेंगे। एंड यस, जब तक तेरी प्राची की शादी नहीं हो जाती ना, तब तक प्राची के बारे में सोचना भी मत।